बरसों से हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, आज पहली बार हार गए एक साथ। गलत हम थे, हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। वो लड़की बहुत चाहती है राहुल को। राहुल की खातिर हमें बदलना होगा, मुश्किल काम नहीं है। अरे मामा जी, ये हमारे लड़ते झगड़ते घर को किसकी नजर लग गई? एक सेकंड के लगा कि मैं तो अपने घर पे ही नहीं हूं। अब इस उम्र में मुझे बेघर करेंगे ये लोग। राहुल, दरअसल इन दोनों को ये एहसास हो गया है कि ये लोग गलती पर हैं। दोनों बदलेंगे रातों रात, अचानक इस उम्र में यू टर्न लेंगे। अब आप बताओ, चाहे कोई कितना भी चाले, अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरे हैं उन्हें कोई फिर से जोड़ सकता है? नहीं ना। बस मामा जी, हमारे घर की हालत भी वैसे ही है। कह दो इनसे कि झगड़ा कर ले और आराम से सो जाए। ये हर बात काटता है, भांजा है क्या पतंग का मांजा? ऐशा सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा अवॉइड करना, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। पूछोगे नहीं कितना प्यार करने के बावजूद मैंने शादी के लिए इनकार क्यों किया? नहीं, क्यों पूछू? हाँ तुम ही कहते थे ना, क्यों? व्हाई? ऐशा, एक बार भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। तुम सुनोगे? तुम एक कायर और डरे हुए लड़के हो। तुम शादी से नहीं, अपने आप से डरते हो। और जो लोग डरते हैं ना, उनसे मैं बहुत डरती हूँ। लीव मी। ऐशा, लिसन टू मी। राहुल, अगर तुम यहाँ से निकलकर लेफ्ट लोगे ना, तो दुनिया शुरू होती है और वहाँ तुम्हें बहुत सारी लड़कियाँ मिलेगी जो तुम्हारे टाइप की है। ऐशा, लिसन टू मी नाउ। राहुल, दर्द हो रहा है। सॉरी ईशा। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें किसी के दर्द का एहसास तो हुआ। हाय बेबी, डू यू वांट मी? मैं तैयार हूँ। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट? राहुल, तुम पागल हो गए? राहुल, तुम होते कौन हो मुझे बचाने वाले? ऐशा, तुम होते कौन हो मुझे बचाने वाले? किसी ने कुछ कहा तो कहा, तुम्हें क्यों बुरा लगा? लगते क्या हो तुम मेरे? मैं तुमसे जितना प्यार करती थी, आज उससे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। I've started to hate you, Rahul. HATE in capital letters. ऐशा, नो योर दे। हेलो, ऐशा कम ऑन, बात करो मुझसे। हाय, इस वक्त मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए आप अपना नाम, नंबर और मैसेज बीप के बाद छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ आंसरिंग मशीन ही तुम बात कर रही हो। क्या हुआ ऐशा? जिसने रिश्ता काटा वो आज फोन काटने से दुखी हो रहा है। ऐशा, ऐशा तुम देखो, आपको क्या लगा मम्मी कि मैं रो रही हूँ? बिल्कुल नहीं, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। ऐशा, आ जाओ ना बाहर। भीग रहा हूँ कि रो रहा हूँ मुझे नहीं पता, सच। तन्हाई, आंसू, उदासी, बात है जरा सी और तुम इतनी खफा सी। आंखें नीचे दूर रहे ना तो उसे आंख मिचोली कहते हैं, जुदाई नहीं, स्टूपिड। हवाओं में अब तो किस करता हूं, हर तरफ तुझको मिस करता हूं। तुम्हें क्या लगता है,
तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। एक्चुअली बात तो वही है, पता है ऐशा, ये बारिश नहीं है, ये तो आसमान मुझे यूं ही कंपनी दे रहा है। कम ऑन ऐशा, मुझे मानती हो अपना तो मान जाओ ना। मुझसे इंतजार क्या करवाओगी, मैं तुमसे दूर था ही कब। ये क्या पागलपन है। मैंने क्या किया, बारिश तो मैंने नहीं की ना, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। भीग के बीमार पड़ोगे। मर भी जाऊं तुम्हें क्या। राहुल मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। समझना क्यों है, सिर्फ प्यार करो उसके बाद और प्यार, उसके बाद और प्यार, उसके बाद सिर्फ प्यार। नमस्ते, आइए। भगत यूं गेट लूं ऊंची ऊंचे। नमस्ते नमस्ते सुधा भाभी। ये आपको लेने नहीं आए। आ रहे ना पाछड़ी। आइए आइए। फ्लाइट वक्त पर थी। एकदम बैठा ना उड़ी। जब से वो दुनिया भर में टेररिस्ट लोगों का टेंशन बढ़ गया है ना, तो पायलट लोगों ने सोचा है कि वो हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दे, इससे पहले हम डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। बस रे कंट्रोल। आमा बन कंट्रोल। आंटी ऐसा नहीं दिखाई दे रही। रसिक चाल ने हवे। सुधा तुम भी बातों में लगी, चलो ना भाई। अरे कहाँ लेकर आ गई हो मुझे। दिमाग के डॉक्टर के पास। तो मिलकर आओ, मैं बैठा हूँ। स्टूपिड, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे दिमाग को समझेगा और समझाएगा भी। मुझे कोई नहीं बता सकता। चैलेंज। अच्छा शादी के लिए डरता है, ये क्या प्रॉब्लम है यार। लॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सब क्रोनोलॉजिकली बताऊं। सच कहूं कभी कभी ऐसा लगता है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी मुझे उठा के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ, स्ट्रे डॉग। कब से? जब से मैं एक छोटा सा पिल्ला था तब से। पिल्ला कुत्ता, अरे शादी की बात करो ना। हम कुत्तों की कभी शादी होती है क्या? एक बार नहीं बार बार होती है। आपकी कितनी बार हुई है? दो बार। हाउ हाउ, हमारी बातों में कुत्ता पिल्ला कहाँ से आ गया। हाउ हाउ, ये सब बातें छोड़ो, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और मेरे सवाल के जवाब ठीक ठीक दो। डार्लिंग बिंदु, यस सर, लाइट्स ऑफ करो सबके सामने। बिंदु पेशेंट की लाइट ऑन करो। ओके सर। जो मैं कुछ बोलता हूँ उसके लास्ट दो शब्द रिपीट करो, दोहराते रहो दोहराते रहो दोहराते रहो। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। बोलो शादी क्यों नहीं करनी। नहीं करनी नहीं करनी। करनी है करनी है, बोलो। ओह माय गॉड, आई एम कंफ्यूज्ड। अब तुम यह देखो डॉक्टर, ये लाल लाल क्या है। इस बिंदु को देखकर कहो कि तुम्हारी शादी टूट चुकी है। टूट चुकी है टूट चुकी है टूट चुकी है। प्लीज ये बिंदु को हटाओ। यू चीटर। यस, तुम्हारा और इस बिंदु का लफड़ा प्यार तुम्हारी बीवी को पता है। पता है पता है। प्लीज ये बिंदु को हटाओ। मैं हो जाऊंगा। मुझे अपनी लाइफ से हटाएंगे। कहो हां। यू चीटर। शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो, मरो लेकिन मुझे बर्बाद नहीं करो। मेरे बाप का क्या जाता है। बेचारा मुझे समझा रहा था शादी के बारे में। मेरा पूरा प्लान फ्लॉप करा दिया तुमने, अब कैसे समझा तुम्हें। ऐसे क्या देख रही हो। सोच रही हूँ मेरे बारे में। हमारे बारे में। कब तक कब तक जिंदगी की सच्चाइयों से आंख में चोली खेलते रहेंगे हम। राहुल मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर रहकर समझोगे, लेकिन साफ साफ बताओ क्या सोचा है तुमने शादी के बारे में। ऐशा, यूरोप में अमेरिका में ऐसे कई कपल्स हैं जिन्होंने शादी नहीं की, दे जस्ट लिव हैप्पीली, साथ रहते हैं। आई मीन साथ रहो जियो, लेकिन लेकिन राहुल शादी मेरे लिए कोई छोटी मोटी अरेंजमेंट नहीं है, शादी एक जीवन भर का रिश्ता है। कम ऑन ऐशा, तो इस रिश्ते में कमी क्या है, प्यार की नहीं, साथ की नहीं, बल्कि इस रिश्ते में तो एक हेल्थी फासला है, स्पेस है, आजादी है। अच्छा और क्या नाम दोगे इस रिश्ते का। सिर्फ दोस्ती, सिर्फ प्यार, अ लिविंग रिलेशनशिप। और आगे। और आगे क्या, बस यूं ही हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे ना ऐशा। आई लव यू। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? ये कैसा प्यार है तुम्हारा राहुल, तुम मुझसे प्यार भी करते हो और चाहते हो कि मैं जिंदगी भर अधूरी रहूं।
भी मां ना बनू? राहुल, ये सब इस रिश्ते में नहीं हो सकता है। ऐशा, किस जमाने में हो तुम? तुम अभी भी एक टिपिकल इंडियन लड़की हो। वही चांद की पूजा, वही भूखा रहना, ग्रो अप। हाँ राहुल, हम इंडियन लड़कियां अपने प्यार के लिए आसमान में रहने वाले चांद तक की पूजा करते हैं, और तुम तो एक छत के नीचे रहने वाले से एक रिश्ता तक जोड़ने से डरते हो। यस, और उसी आसमान के नीचे, चांद के नीचे और छत के नीचे एक घर होता है, और मैंने उस घर को अपने ही घर में कई बार टूटते हुए देखा है। एक बार के लिए तो मेरी बात समझो कि मैं शादी से क्यों इनकार करता हूं। समझ गई, तुमने तो कभी प्यार पाया ही नहीं ना अपने घर में, और जिसने कभी प्यार पाया ही नहीं वो दूसरे को क्या प्यार देगा? राहुल, अगर शादी के बारे में अभी भी तुम्हारे यही विचार है ना, तो फिर आज के बाद मिलना मत मुझे, बस सब खत्म। तुम्हारी और मेरी जिंदगी अलग है। और फिर ये मत पूछना क्यों, बाय। ऐशा, तुम बाहर आते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा, घर के अंदर। ऐशा, मैं अभी आया। अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रोको इसे। सॉरी, ब्रेक नहीं लग रही थी इसलिए यहां तक आ गया। तो ब्रेक लगाओ और खुद को भी ब्रेक लगाओ। तुम ऐशा से क्यों मिले? रोमांस करने, प्यार करने। बहुत हो चुकी बकवास, समझे? ऐशा को भी यही बता देना। ए, एक बात सांभर, तू ऐशा को बहुत चाहता है ने? तू शादी क्यों नहीं करता उससे? बताता हूँ, I'll tell you। ये कुत्ता आपका है ना? हाँ। ये आपको बहुत चाहता है ना? और आप भी इसे बहुत चाहते हैं। देखो ना, फिर भी आपने इसे शादी नहीं की। Why? क्यों? इसके नाम के आगे आपका सरनेम तो नहीं है, जैसे कि रॉकी मल्होत्रा या फिर मोती पटेल? मोती पटेल मेरे बाप का नाम है। और सॉरी, कुत्ते से सॉरी बोल रहे? मेरा बाप कुत्ते से भी बदतर है क्या? जरा सोचिए, आप इस कुत्ते को चाहते हो ना, फिर भी आपने इसको मंगलसूत्र तो नहीं पहनाया, शादी का सर्टिफिकेट तो नहीं बनवाया, क्योंकि प्यार है तो रिश्ता है, और रिश्ता है तो वफादारी है, और है तो है, तो इसमें तो हंगामा क्यों? अरे बाप रे, सुजनरेशन छे आज नहीं, मैड तद्दन पागल। हाँ मैं पागल हूँ, और मुझसे उलझना मत, वरना मैं सबको पागल कर दूंगा। बाय गुज्जू भाई। ये लड़के को ठीक करना इम्पॉसिबल बात छे। आज कुत्ते के पीछे पड़ा है, कल सर्कस में से शेर उठा के लाएगा, और वो जानवर बचाओ समिति वाले अपने पीछे पड़ेंगे। मारी बात सांभ, जितना जल्दी हो सके है ने ऐसा का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर डालो। रसिक यार, तुझसे अच्छा घर और कौन सा हो सकता है? ऐशा बहुत अच्छी लड़की है दोस्त। ये भी कोई कहने की बात है, मने शर्मिंदा मत करो। Go ahead। लेकिन ऐशा तो राहुल को चाहती है, क्या वो इस शादी के लिए हाँ कहेगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो नादान है, मैं उसे समझा लूंगा। लेकिन अमित, तुम्हें यह फैसला खुद करना होगा। हम नहीं चाहते कि फैसला तुम किसी के भी दबाव में करो। देखिए अंकल, आई रिस्पेक्ट यू, और हाँ मैं ऐशा को चाहता हूँ हमेशा से, लेकिन अगर ऐशा अपनी मर्जी से हाँ कहे तो ही मैं तैयार हूँ। ले बात पति गई ने।